बांग्लादेश में हिंसा मिजोरम भागकर आए क्योंकि चीन शरणार्थियों की संख्या बढ़ी, मिलेगी सभी सुविधाएं। चीन में आग लगने से 10 लोगों की मौत, भड़के लोग बोले लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया रेस्क्यू। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनना चाहता है नॉर्थ कोरिया, किम की यूएस को चेतावनी, कहा परमाणु वर्चस्व के खिलाफ खड़े होने में सक्षम। हिंद महासागर का बॉस बनना चाहता है ड्रैगन, 19 देशों के साथ की बैठक, भारत को रखा किनारे। और नहीं रहे बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकी, 64 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। नेपाल में पीएम दिवा और प्रचंड की बीच हुई बैठक, नई सरकार के गठन पर बनी सहमति, दोनों नेताओं ने नई सरकार के गठन पर जताई सहमति। ईरान में हालात बद से बदतर, पुलिस बोल रही प्रदर्शनकारियों की आंखें, देश में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी। तो वर्ल्ड कप 2022 पर कैमल फ्लू का खतरा मंडरा रहा, WHO द्वारा समर्थित विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। गिरिराज सिंह का बयान, जनसंख्या कानून नहीं बना तो नहीं बच्चे की देश की एकता, हर मिनट में पैदा हो रही 30 बच्चे। लखनऊ के अलीगंज के नवीन फल मंडी में एक दर्जन से ज्यादा दुकानों में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद, आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। रामपुर में बोले आजम खान, हम इलेक्शन कमीशन से आग्रह करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, जेलों में गरीब अशिक्षित और कमजोर वर्ग के अपराधों वाले विचारधारा कैदियों की भरमार, लोकतांत्रिक देश के लिए दुख अथवा चिंता की बात। शाहजहांपुर में हुआ मर्डर, जमीनी विवाद में हत्या, पुलिस के सामने मारी गई गोली, पुलिस का मौजूदगी से इनकार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की अगुवाई में मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची यात्रा, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से की बातचीत, कहा राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए हम नहीं चल रहे। मुसलमानों को केजरीवाल ने पूरे देश में किया बदनाम, असद और दीन ओवैसी ने साधा दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम का 96वां संस्करण, पीएम मोदी ने कहा G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, डिंपल भाभी को जिताएं, इटावा रेलवे स्टेशन पर किया अनाउंसमेंट। राहुल गांधी मंगलवार को 2 बजे महाकाल के करेंगे दर्शन, कमलनाथ, जयराम, रमेश, दिग्विजय सिंह रहेंगे मौजूद। महबूबा मुफ्ती का केंद्र को संदेश, कश्मीर का मसला हल नहीं किया तो कितनी भी फौज तैनात कर लीजिए कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इंडिया के नाम दर्ज हुआ मैच रद्द होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, हर 25वें मुकाबले का नहीं निकलता रिजल्ट, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला दूसरा वनडे मैच बारिश के चलते रद्द। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जीता, मैक्सिको को 2-0 से हराया, लियोनेल मेसी ने मैराडोना के रिकॉर्ड की बराबरी। रैपर बादशाह के साथ डांस करते नजर आए धोनी, हार्दिक दुबई के क्लब में काला चश्मा पर जमकर करके क्रिकेटर्स, हार्दिक के भाई कृणाल पांड्या भी साथ में दिखाई दिए। नेहा धूपिया ने सेलिब्रेट किया बेटी मेहर का बर्थडे, सर्कस टीम पर किया डेकोरेशन, यूजर्स बोले ये पार्टी तो किसी सपने जैसी है। और अमेजन का दूसरा बड़ा फैसला, एड टेक के बाद अब इंडिया में अपना फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करेगी कंपनी, 29 दिसंबर से नहीं मिलेगी सर्विस।